जी तो गाइस नमस्कार, जय श्री राम। मैं आपका भाई व्यूज भाटी, वेलकम टू आवर चैनल। कल रात अपन रुके थे यहाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी परेशानी, एक बहुत बड़ी बाधा मेरे लिए आ चुकी है, तो मैं इस ट्रिप को यहीं पे रोक रहा हूँ। किसी कारणवश मेरे को वापस जाना पड़ रहा है अपने घर। जीवन में बहुत दुख है, समझ रहे हो बात आप। अब वो कारण मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है किसी के साथ, तो मेरे को घर जाना पड़ रहा है वापस। और इस ट्रिप को एक बार यहीं पे अपन रोक रहे हैं, तो भाई अब यहाँ से लिफ्ट लेंगे, वापस घर जाएंगे अपन। बहुत अच्छे और खुश मिशा दिल से निकला था भाई साहब, मूड में एकदम बहुत प्यारे मूड में निकला था, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी परेशानियाँ हैं जो आ जाती है और अड़चन है आ जाती है बीच में। तो अब मैं वापस घर को निकल रहा हूँ भाई। चार लिफ्ट लेके मैं यहाँ तक पहुँचा था इस होटल पे रात को, ये जो सामने दिख रही है आपको, इस होटल पे पहुँचा था। चार बार लिफ्ट ली जब मैंने, पर क्या करें, या तो फिर महादेव का बुलावा नहीं है या फिर कुछ और चीज़ है जो कि मेरे को जाना पड़ रहा है। समझ रहे हो, कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ बाधाएं पड़ी रहती है भाई, दिक्कत है। चलो कुछ नहीं, इसको तो अपन इस ट्रिप को वापस जल्दी ही कर लेंगे, लेकिन इस बार अभी के लिए एक बार अपन को इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि किसी फ्रेंड के घर में, समझ लो यार आप, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे वो नहीं कर सकता, लेकिन क्या करें। चलो मिलते हैं आपसे आगे, लिफ्ट ले लेता हूँ और निकलते हैं घर पे। अभी तक लिफ्ट नहीं मिली है तो किसी दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, इस कारण अपने को वापिस जाना है। बस यही है कि वो यहाँ बता नहीं सकता वो कारण, ऐसा कारण हो गया है। और खास मित्र है अपना, इसीलिए जाना पड़ेगा, समझ रहे हो बात। ट्रिप तो कुछ नहीं है, 15-20 दिन बाद वापस चालू कर लेंगे। एक महीने बाद चले जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ नया कर लेंगे फिर। लेकिन लिफ्ट नहीं मिली अभी तक, ढूंढ रहा हूँ गाड़ी, मिल जाए जल्दी। साहब अभी तक लिफ्ट नहीं मिली है, अब अपन बस का वेट कर रहे हैं, बस आ जाए तो बस में चढ़ जाएंगे और सीधा घर पहुँच जाएंगे। बस बता रहे हैं कि भाई बस आने वाली है। अभी एक आदमी मिला था और रुका कि आपको कहाँ जाना है, मैं फलोदी जाना है भाई, तो कि बस आ रही है, बस में चढ़ जाना आप। मैंने कहा सही बात है भाई, चढ़ जाएंगे बस में। धूप तेज हो रही है बहुत भयंकर वाली, गजब गर्मी है भाई साहब। अरे आ जाओ भाई साहब, बस जी, बस भी अपना आतंक पूरा दिखाती है भाई साहब, क्या ट्रेजेडी हुई है यार, समझ में नहीं आ रहा। 001 काफ़ी मिन्नतों के बाद मिली हमें ये बस, और ये मूछो वाले अंकल देखो बैग को रख रहे हैं ऊपर और फिर देख रहे हैं हमें कि ये भाई क्या कर रहा है। लेकिन हम तो मस्ती मजाक के मूड में थे, लेकिन वो मूड भी ख़राब हो गया, अंकल ने हमें इग्नोर कर दिया। पहुँचे हैं अभी अभी जस्ट घर पे, और हालत तो बहुत भयंकर ख़राब है और बहुत सारी दिक्कत है। अभी मैं कल शायद मैं जाऊँगा जोधपुर, क्योंकि दोस्त वही रहता है,
इसलिए जाना पड़ेगा मेरे को। कल ब्लॉग नहीं आएगा शायद, क्योंकि ऐसे टाइम पे ब्लॉग बनाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। तो मैं कल जाऊंगा और उससे मिलूंगा, जाना ही पड़ेगा मुझे क्योंकि अभी अभी जस्ट पहुँचा हूँ, या फिर आज शाम को इवनिंग में रवाना हो जाऊँगा, लेकिन जाना ज़रूरी है, बस यही बात है। ओके चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाकी अभी अभी जस्ट घर पर पहुँचा हूँ, बैग वैग रख दिए सब, और अब निकल जाऊँगा थोड़ी देर में, मतलब कि 6-7 बजे तक मान लो कि इवनिंग में चला जाऊँगा जोधपुर, और कल ब्लॉग में डालूँगा किसी भी तरह से, और अगले दिन वापस आ जाऊँगा। चलो फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। इस एक कारण, मतलब बहुत बड़ा कारण हो गया, इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा, कोई बात नहीं। चलो फिर। हाँ जी, तो भाई साहब अभी बैठे हैं अपन घर पे, और आज शाम में जाने वाला हूँ जोधपुर। तो जोधपुर का पूरा प्लान कर लिया है, एक दिक्कत के कारण मेरी, मतलब कि ये वाली जो यात्रा थी वो मुझे स्किप करनी पड़ी, रोकनी पड़ी, और कुछ छोटी मोटी बाधाएं आ गई थी मेरी इस यात्रा के अंदर। तो मैं जल्दी ही कुछ नया स्टार्ट करूँगा, और जब महादेव का बुलावा आएगा तो अपन केदारनाथ की यात्रा भी कर लेंगे। तो अभी क्या है कि किस्मत या तो ख़राब चल रही है या फिर टाइम ख़राब चल रहा है, ऐसा कुछ सीन बन रहा है। क्योंकि मेरी जो, मतलब कि मैं एक कंसेप्ट पे काम कर रहा था सलमान खान वाले पे, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था बढ़िया तरीके से, तो वो भी मेरा ख़राब हो गया कि कुछ कुख्यात लोगों ने वहाँ पे फायरिंग कर दी थी, तो वो प्रोजेक्ट ख़राब हुआ। उसके बाद मैं केदारनाथ की यात्रा पे निकला, तो किसी के, मतलब मेरे दोस्त है बहुत अजीत मित्र है, तो उसके घर में कोई परेशानी होगी, तो मतलब कि कुछ ना कुछ बाधाएं मेरे आ रही है, मतलब कि यहाँ से अपना कुछ टाइम थोड़ा कह सकते हैं ना अपन की ख़राब चल रहा है अभी। तो दोस्तों अपन हार मानने वाले इंसान तो है नहीं, तो कुछ नया करेंगे और अच्छा सोचेंगे कि अब मैं क्या दिखा सकता हूँ, समझ रहे हो। तो वैसा कुछ प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आऊँगा और आपके सामने रिवील करूँगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, ऐसे ही जुड़े रहे अपने भाई से, और जल्दी से जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो दोस्तों, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। इतने बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आऊँगा ना, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम बोलोगे कि ये आदमी है जो करता है बाकायदा काम, अपने काम को, मतलब कि इतना यूँ सोच विचार के और इतना दिल लगा के ये काम करता है ना भाई साहब, तुम खुद बोलोगे। तो जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे भाइयों, मज़ा आ जाएगा, और तुम्हारा भाई इससे भी डबल मेहनत करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी थोड़ी मेहनत कम चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये, मतलब 4 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन आपके सामने, आपका कुछ नहीं जा रहा है दोस्तों, एक छोटा सा इतना सा ही काम है, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार, तुम्हारे भाई को तरस खा लो यार थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारा भाई कहाँ जाता है, इतनी मेहनत करता है और तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आता है, लेकिन क्या करें उसमें भी बाधाएं आ जाती है। तो प्लीज़ एक छोटा सा काम मेरा ये कर दो आप, सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, उसको दबा दो जाके, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए प्रोजेक्ट के साथ और नई लोकेशन के साथ, जल्दी ही। और कल तो ब्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि कल मैं जाऊँगा जोधपुर, उसके अगले दिन आ जाएगा, ठीक है जी। बाकी स्टे ट्यून, जल्दी ही मिलते हैं आपसे। जय बाबा की, जय श्री राम।